देखो यहाँ से जैसे बात करेंगे जब कार्यात्मकवाद की, यानी कि फंक्शनलिज्म। फंक्शन का मतलब होता है क्रिया, कोई भी क्रिया और उसका जैसे कि प्रोसेस है ना। तो अगर हम किसी भी क्रिया की बात करते हैं या कोई कार्य के ना, इसको कार्यात्मकवाद यानी या फिर क्रियात्मकवाद भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर क्रिया हो रही है, मतलब कोई भी अगर फंक्शन है, तो फंक्शन के कुछ चीज़ें भी होती हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर कोई क्रिया हो रही है ना, तो उसके कुछ नियतार्थ होते हैं और उन्हीं नियतार्थ में वो क्रिया चलती है। सबसे जरूरी चीज़ समझना, अगर कोई कार्य हो रहा है ना, तो उसके कुछ नियतार्थ हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो नियतार्थ है इसका, क्लियर बात समझिए। नियतार्थ ये है कि जानकारी देना है, उस जानकारी में भी कुछ राजनीतिक अर्थ होंगे उसके, उस राजनीतिक अर्थ में कुछ उसके व्यवसायिक अर्थ भी होंगे। व्यवसायिक अर्थ हो गया, उसमें भी कुछ क्या होगा कि जीवन को संवारने की पद्धति होगी। क्लियर है कि नहीं, समझो। कोई भी कार्य अगर होता है ना, तो उसका एक राजनीतिक अर्थ होता है। क्या होता है? राजनीतिक अर्थ होता है ना, जो अन्य प्रकार के, मतलब जो समाज से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, जो समाज से जुड़ा रहता है। कोई भी कार्य हम करेंगे तो समाज को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं कि नहीं करते हैं। आजकल देखो, लोग कपड़े अपने संतुष्टि के लिए नहीं पहन रहे, दूसरों को दिखाने के लिए पहन रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, होता है ऐसा, ठीक ना। हाँ, तो उसके ठीक है, तो वो राजनीतिक नियतार्थ होते हैं, क्लियर। होता है ऐसा, आप अभी अनुभव करो या ना करो, है ना, लेकिन कभी अनुभव, हाँ, अभी आप जैसे कि अनुभव करेंगे। चलो, तो कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक राजनीतिक नियतार्थ होता है। उसके अलावा जीवन संवारने की आकांक्षा, मतलब आकांक्षा होती है, अभिलाषा होती है, ठीक ना, जो जीवों के जीवन को प्रभावित करती है। कोई भी कार्य अगर चल रहा है ना, तो किसी न किसी के जीवन को प्रभावित कर रहा है, ठीक। तीसरी चीज क्या होगी उसमें, उसके कुछ व्यावसायिक अर्थ होते हैं। अगर हम भूगोल में बात करेंगे कि भूगोल में क्या व्यवसायिक होगा, तो भूगोल में व्यवसायिक अर्थ की अगर बात करेंगे, तो आर्थिक क्रिया होगी। क्या होगी? आर्थिक क्रिया। अगर भूगोल में व्यवसायिक कार्यों की बात करें, तो भूगोल में व्यवसायिक क्या हो सकता है, तो आर्थिक क्रिया, यानी कि आर्थिक भूगोल में हम जो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी फंक्शंस और जो भी बातें पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर चौथे पॉइंट की हम बात करेंगे, तो जो भी आर्थिक कार्य होते हैं ना, इनकी एक विशेष संरचना होती है, और विशेष संरचना विशेष अवसर पर देखे जाते हैं। नहीं समझे? मतलब एक टाइम होगा ना कोई भी कार्य करने का, एक अवसर होता है, और उसी अवसर पे कार्य किया जाता है, क्लियर। और एक दूसरे के साथ इनका आपसी संबंध भी होता है, मतलब कि इनका फलन भी होता है। फलन का मतलब चरों में आपसी संबंध होगा। चरों में आपसी संबंध होने का मतलब क्या होता है, कि इसका कुछ न कुछ गणितीय अर्थ भी होगा। जहाँ पर संबंध आता है ना, वहाँ पर गणितीय अर्थ भी होते हैं। अब इसको समझाएंगे तो कहोगे कि सही बात है कि नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उनके चरों में क्या होता है कि आपसी संबंध होता है, और वो संबंध गणितीय अर्थ में होते हैं, है ना। वो संबंध क्या होते हैं? गणितीय अर्थ में होते हैं। अब जैसे कहा जाए कि कोई भी किसी से संबंध निभा रहा है, तो वो उसके पीछे भी उसका कुछ न कुछ गणितीय अर्थ है, कुछ गणित लगा रहा है। आप किसी की शादी में जाओ, तो वो भी आपकी शादी में आएगा। आप किसी की शादी में मत जाइए,
वो कहेगा हमारे में नहीं आए थे, हम भी आपकी शादी में नहीं आएंगे। तो हमारी जो क्रिया संचालित हो रही थी उसमें जब आप शामिल नहीं हुए तो आप में हम भी शामिल नहीं होंगे। भाई तो संबंधों का विश्लेषण कर रहे हैं ना, विश्लेषण ही तो गणितीय रूप होता है कि हम दिमाग लगा रहे हैं, गणित लगा रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं, कैसे हम मैनेज करेंगे चीज़ों को, है ना। अब लोग जा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आप बिना दे आ जाइए, सामने वाला भी आएगा वही बिना दिए आएगा, होता है ऐसा। किसी की शादी में जाओ, 500 रुपये का निमंत्रण लेके जाओ, वहाँ नोट होगा कि फलाने 500 रुपये लेकर के आए, और वो भी आएगा तो देखेगा, चेक करेगा फलाने की शादी में कितना उन्होंने दिया था हमारे में, तो 500 रुपये, 100 रुपये दिया रहता अभी 100 रुपये देंगे, 500 रुपये दिया रहेगा तो अभी 500 रुपये देंगे, ये होता है। ठीक, तो कोई भी कार्य होता है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से स्वार्थ उसमें, स्वार्थ क्या, जैसे कहने को स्वार्थ है ना, जैसे आपसे हम लोग भावनाओं में आगे कह देते हैं कि स्वार्थ है, ये है, वो है, स्वार्थ नहीं है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। हाँ, ये उसके अंग है ना, उसके बिना कार्य ही आपका नहीं चलेगा। एक इक्वेशन छोड़ दो, क्वेश्चन आपका आंसर जो है गलत आएगा। अब जैसे कुछ लोग ये भी कह देते हैं, जैसे माँ बाप बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो इसे माँ बाप का स्वार्थ है कि माँ बाप जब बूढ़े होंगे तो बच्चे बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे, इसमें माँ बाप का स्वार्थ है। तो ये स्वार्थ थोड़ी हुआ, ये स्वार्थ थोड़ी हुआ है ना। हर चीज़ को निगेटिव तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि आप तो ये सोचिए कि माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपको दुनिया देखने का मौका दिया। अगर आपने जन्म लिया हुआ है, ये मत सोचो कि भाई हमारे जन्म लेने से क्या होगा, हज़ार लोग तो मर जा रहे हैं, चाहे ये है चाहे वो, भाई एक ही व्यक्ति तो क्रांति ला देता है। महात्मा गांधी अकेले पूरी दुनिया जान रही है, सुभाष चंद्र बोस अकेले पूरी दुनिया जान रही है, भगत सिंह अकेले पूरी दुनिया जान रही है। क्यों, ऐसा थोड़ी है कि भगत सिंह ने कई बार जन्म लिया उसके बाद दिखाया कि हाँ देखो मैं हूँ। तो कार्यात्मकतावादी जितने भी होते हैं ना, ये इतिहास में विश्वास ही नहीं रखते, ये वर्तमान में समाज में चल रही अंतरक्रियाओं में विश्वास रखते हैं कि वर्तमान में समाज में किस प्रकार की अंतरक्रिया चल रही है, और उसी पर ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्यात्मकवादी जो विचारधारा के लोग होते हैं उसी पर फोकस करते हैं कि समाज में वर्तमान में क्या चल रहा है उसको देखो, है ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये हमने आपको बता दिया पूरा कि कार्य करने में ये चीज़ें क्या होती हैं, निहित होती हैं। अब जैसे उदाहरण देखो, इसमें दो बातें आती हैं। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो इस फंक्शन में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है मैनिफेस्ट फंक्शन, क्या होता है मैनिफेस्ट फंक्शन यानी कि प्रकट कार्य, और दूसरा होता है लेटेंट फंक्शन यानी कि अप्रकट। और ध्यान देने योग्य बात है कि इन्हीं बातों के आधार पर कार्यात्मकवाद की आलोचना भी हो जाती है, इन्हीं दोनों बातों के आधार पर कार्यात्मकवाद की आलोचना भी की जाती है। क्योंकि फंक्शन में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है मैनिफेस्ट फंक्शन और दूसरा होता है लेटेंट फंक्शन, यानी कि प्रकट कार्यात्मकता और अप्रकट कार्यात्मकता। क्लियर है, समझिए, शादी विवाह का माहौल चल रहा है, किसी के घर में शादी है, ठीक, घर के लोग बाकी लोग है ना, दो दिन से चार दिन से आकर के क्या है, लगे हुए हैं, कपड़े गंदे हो गए, टेंट कुर्सी बर्तन सब उठा के ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, बकायदे एकदम थक गए, ठीक है, शादी वाले दिन और पूरा काम करा और आके थक गए। अब जब मेन मौका आता है, जब बारात आती है, मेन मौका आता है, जब मेन मौका आएगा ना, बारात वरात सब आ जाएगी बकायदे, तो जो सब दिन भर जो किए कराए रहेंगे वो थक करके अपना वो रहेंगे, है ना, और वो जब बारात आने के बाद, बारात जब खाना वाना खा रही है, पानी नहीं पी रही है, उसके बाद बढ़िया बकायदे जो है कि धोती कुर्ता पहने, वाइट वाइट पहन के दो चार लोग मतलब सज्जन आ जाते हैं, होता है ऐसा, दो चार लोग सज्जन पुरुष आ जाएंगे, ठीक है, वो कहेंगे अब दिन भर गायब, कल से गायब थे, आज गायब थे, दिन भर उनका जो मेन काम था उनका पता नहीं था, ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगे कि आ जाएंगे पूरा अपना रख के, ठीक है, ए बेटा वहाँ पूड़ी चलाओ, ठीक है, वहाँ पानी दो, ठीक है, तो अच्छा क्या चाहिए आपको, ये चीज़ चाहिए, हाँ सुनो सुनो ये लेके आओ, ये चीज़ इनको दो, ऐसी चीज़ें होती हैं। वो अब क्या होते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन में आ जाते हैं,
क्योंकि उसी टाइम सब आते हैं, तो पीछे की चीज़ें कोई नहीं देखता, जो सामने रहता उसी को सब देखो ठीक है। अरे बड़ा मेहनत कर रहे हैं फलाने जो है, हाँ लड़के के फूफा हैं, लड़की के मामा हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो वो किस में आ जाते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन में आ जाते हैं, और जो बाकी होते हैं वो अप्रकट होते हैं, लेटेंट यानी कि गुप्त वाले में आ जाते हैं ना, अप्रकट कार्यात्मकता उनकी आ जाती है। तो वो क्या होते हैं, तो किसी भी कार्यात्मकतावादी की वादियों की आलोचना इसी प्रकार से होती है। जैसे देखो, जैसे जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर क्या है, लौह इस्पात का केंद्र है, तो जमशेदपुर है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वहाँ है, लौह इस्पात का केंद्र है। तो जमशेदपुर का नाम सुनते ही मन में आता है कि वहाँ देखो भैया ऐसा है कि लोहे वगैरह उद्योगों का कार्य वहाँ होता है। तो भैया क्या वहाँ हॉस्पिटल नहीं चल रहे हैं, क्या वहाँ बीमार होंगे तो इलाज नहीं होगा, वहाँ स्कूल नहीं चल रहे हैं, वहाँ अन्य मार्केट नहीं है, सब है, सब चल रहा है, लेकिन जो मैनिफेस्ट है उसका हम प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो कार्यात्मकवादियों की आलोचना भी इसी आधार पर कर दी जाती है कि ये क्या करते हैं ना, कि एक चीज़ को बहुत हाईलाइट कर देंगे और दूसरी चीज़ को निग्लेक्ट कर देंगे। होगा इससे क्या, ऐसा करने से ये होगा कि जो दिन भर मेहनत कर रहा था ना, उसके मन में ये आएगा कि अरे यार हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमको तो एकदम निग्लेक्ट कर दिया गया। पता चलेगा कि वो जैसा था वैसे ही कोने में चुपचाप पड़ा रहेगा। तो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ऐसी चीज़ें इन बड़े बड़े शहरों में क्या होती हैं, दबी की दबी रह जाती हैं, है ना। प्रजातीय संरचना, जातिवादिता दबी की दबी रह जाती है, उसमें कोई सुधार होने की संभावना नहीं दिखती, क्लियर है। अब जैसे इलाहाबाद क्या है, शिक्षा का केंद्र है ना, धर्म नगरी भी माना जाता है, शिक्षा का केंद्र और धर्म नगरी। पटना शिक्षा का केंद्र, ठीक है। दिल्ली, जैसे मान लो UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली पूरा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट मिला दिया गया, एकदम प्रकट रूप से उसको बता दिया गया, बाकी चीज़ें निग्लेक्ट कर दी गई, क्लियर है ना। तो उसके हिसाब से उसको जाना नहीं जाएगा, क्लियर। जैसे अगर अपने गाजीपुर की बात कर लें तो गाजीपुर में क्या है, ओपियम फैक्ट्री है, गुलाब जल यहाँ इत्र बनाया जाता था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं ना, है ना, जैसे सैदपुर भीतरी का स्तंभ है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कई ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, लेकिन ओपियम के नाम पर सबको निग्लेक्ट कर दिया गया ना। अगर UP के मैप पे आएगा गाजीपुर तो सबसे पहले भैया भारत की सबसे बड़ी ओपियम फैक्ट्री है ना, ये चीज़। अब एक और फेमस हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, गाजीपुर में क्या है, चलो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और उसके आगे बाकी सब चीज़ों को निग्लेक्ट कर दिया गया, तो बताओ किसी का ध्यान जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं ना, जैसे किसी पर्यटक स्थल पर आप जाइए तो वहाँ की कुछ चीज़ों को बिल्कुल चढ़ा दिया जाता है, किसी पर्यटक स्थल पर तो वहाँ लोग खूब जाते हैं, और दूसरे जो चीज़ें हैं उसको निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, तो उससे वहाँ के लोगों का विकास नहीं हो पाता है। तो ये पूरा था कार्यात्मकतावाद फंक्शनलिज्म, कि फंक्शन किस आधार पर कार्य करता है, क्या होता है ना, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कार्यात्मकतावाद में ना जो समाज होता है, समाज को साम्यावस्था में दिखाया जाता है, इक्विलिब्रियम में दिखाया जाता है। कार्यात्मकतावाद क्या है, व्यवसाय से जुड़ी अवधारणा है, इनका कार्य होता है केवल व्यवसाय को बढ़ाना। कार्यात्मकतावाद सरल शब्दों में बताइएगा, व्यवसाय से जुड़ी अवधारणा है जो व्यवसायों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। इसमें कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के क्या, जैसे एज इट इज दिखाया जाता है, लेकिन उसके एवज में कुछ चीज़ें निग्लेक्ट हो जाती हैं, इसके कुछ निहितार्थ भी होते हैं, ठीक ना। इसमें इतिहास को थोड़ा सा निग्लेक्ट करके वर्तमान समाज में चल रही अंतर क्रियाओं को दिखाया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है कि कौन क्या कैसे कर रहा है, क्लियर है। इसमें समाज को साम्यावस्था में दिखाया जाता है, साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्थिर संरचना जिसमें जल्दी बदलाव नहीं होता। जैसे हमने अभी क्या बताया कि अगर कोई लौह इस्पात का केंद्र है
तो उसको सदियों से वही जाना जा रहा है, उसको सदियों से वही जाना जा रहा है, तो वो एक स्थिर हो गया ना, ना तो उसका कोई अलग से उसका कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ना तो कुछ हो रहा है, तो एक समाज को स्थिर मान लिया गया। इससे बड़ा नुकसान भी होता है, समाज का ही क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे मान लिया जाए अगर कहीं पर कोई बदलाव ना हो, समाज क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो जो जिन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए था अब बढ़ नहीं रहे। स्थिर होने का मतलब क्या होता है कि उतने पे रुके हुए हैं, उनका आगे कोई विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें किसकी थी, कार्यात्मकतावाद की थी, फंक्शनलिज्म की थी। क्लियर? तो अब मिलेंगे अगले क्लास में।